अब सुनिए तुला राशि वालों के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव। तुला राशि वालों के भाग्य स्थान पर यह ग्रहण पड़ रहा है। भाग्य स्थान का ग्रहण काफी कष्टकारी होता है, अतः आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे वरना आपको बहुत बड़ी हानि होने की संभावना है। मान यश के नाश का योग बन रहा है। भाग्य में बहुत प्रकार की व्याधियां आएगी। पिता के स्वास्थ्य में भी आपको कष्ट हो सकता है। आप अपने संघर्ष के अंदर असफल हो सकते हैं। आपको अत्यधिक प्रयास के बाद भी सफलता में संदेह है, इसलिए सूर्य ग्रहण के दान जप और हवन अवश्य करें ताकि इस कष्ट से आपको मुक्ति मिले। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के अष्टम भाव में यह ग्रहण हो रहा है। इनके लिए ये काफी कष्टकारी है। मानसिक रूप से ये पीड़ित हो सकते हैं। आयु और रोग में वृद्धि हो सकती है। आयु के स्थान पे कमी होने की संभावना है। स्वास्थ्य पे ध्यान देना जरूरी है। मानसिक स्थिति कमजोर हो सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम भाव का सूर्य ग्रहण शुभ नहीं है। इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए और दान हवन और जप करना चाहिए। धनु राशि। इस राशि के सप्तम भाव में ग्रहण है, इसके लिए इनके पत्नी सुख या पति सुख में पीड़ा का योग है। व्यापार में कष्ट, मित्रों से विवाद, परिवार में कष्ट विवाद, पार्टनर से विच्छेद विवाद, हानि, मानसिक कष्ट, पिता को कष्ट की संभावना है। रोग की वृद्धि हो सकती है। गुदा के रोग या पैरों के नीचे के रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए इनको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए और दान स्नान हवन और जप का विशेष लाभ इनको मिल सकता है। अगर ये करें, इनको अवश्य करना चाहिए।